क्या नाम है आपका? श्रेया रोटेरा मेरा नाम। नीट का टेस्ट था आज? हाँ, नीट का टेस्ट था। कैसा गया टेस्ट? अच्छा गया, बस फिजिक्स थोड़ी टफ थी। अच्छा, मतलब नीट के लेवल जैसा आ रहा पेपर पूरा? हाँ, नीट के लेवल से एनसीईआरटी का ही आया है पूरा। ओके, लास्ट टेस्ट में क्या स्कोर आया था आपका? लास्ट क्लास में मेरा 500 आया था। 500 बैच में, मतलब हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा है? बैच जैसे 650 आ रहा है उसका। कितना? 650 आ रहा है। ओके, और कितने स्टूडेंट है बैच में? बैच में मेरे 200 करीब है स्टूडेंट, 200 है। ओके, मतलब टेस्ट से आपको, मतलब टेस्ट देना चाहिए नॉर्मली वैसे बहुत सारे लोग? हाँ, टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट से थोड़ा प्रिपरेशन होता है, थोड़ा डर भी लगता है, जैसे हम पढ़ लेते हैं कि हाँ टेस्ट होने वाला है, इसी कारण से हम थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, हम लोग ऐसे टालते रहते हैं। और टेस्ट देते हो तब ये भी पता चलता होगा कि यार ये हमने रिवीजन नहीं किया। हम लोग जैसे टेस्ट देते हैं तो हमको पता चलता है हमारा कि हम लोग किस पानी में है, जैसे किस लेवल में है, तो टेस्ट तो देना चाहिए। ओके, और सेल्फ स्टडी कितने आवर्स कर रहे हो आप? सेल्फ स्टडी जैसे 6 आवर करती हूं। ओके, और सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हो कि नहीं? हां, मैं इंस्टा पे चलाती हूं, बट एक लिमिटेड करती हूं, मैं ऐसे ज्यादा नहीं चलाती हूं मैं। ओके, और इंदौर का माहौल कैसा है नीट की प्रिपरेशन को लेकर? इंदौर अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है, बस पढ़ने वाले बच्चे लोग अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, बिगड़ गए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा टाइप का है। ओके, और मतलब बैच में कितने स्टूडेंट बताया आपने? हां, बैच में स्टूडेंट कितने हैं? 200 है। 200 एक बैच में? हां, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं? हां, क्योंकि हम लोग का भी फर्स्ट बेस हुआ है ना, उससे बट ध्यान अच्छे से देते हैं, टीचर लोग पूछते हैं, क्वेश्चन सब करते हैं, अच्छा करते हैं, मतलब पेरेंट बेस्ट है। ओके, और टेस्ट भी तो आपको टेस्ट देना ही चाहिए, मतलब टेस्ट आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, टेस्ट आपके लिए प्रिपरेशन होती है अच्छे से। और जो आप सेल्फ स्टडी करते हो उसमें सबसे ज्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो? मेरी गलती है कि मैं बॉटनी और जूलॉजी को ज्यादा देती हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं देती, और बच्चे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की डरते हैं और उसी में कम पा रहे हैं, और नीट में उसमें कम पा रहे तो मार्क्स कम आ जाता है। तो ओके, और मतलब बायो एनसीईआरटी रीड करते हो कि सिर्फ एनसीईआरटी? जैसे मैं नोट्स पढ़ती हूं, बायो का एनसीईआरटी और मॉड्यूल क्वेश्चन लगाती हूँ। क्वेश्चन कहाँ से? मॉड्यूल से लगाते हैं? हाँ, क्वेश्चन मॉड्यूल से लगाती हूँ, उन लोग में जैसे और वो एमपीजी का प्रिंट से निकलते हैं। ओके, और मतलब कितना टाइम हो गया आपको एलएन में? मेरे को 1 साल हो गया, मैं 11th में भी आई थी। अच्छा, मतलब अभी तक नीट तो नहीं दिया आपने ना? 12th है, 12th है ना? 12th में हूँ मैं, क्यू बैच में हूँ। ओके, यही वाला सेंटर है मतलब? हाँ, दफ्तर वाला कुआं मेरा सेंटर है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।